हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिनीस गार्डन में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, वसंत पंचमी की शुभकामनाएं, और वसंत का आगमन हो चुका है दोस्तों। और वसंत के आते ही हम लोग सभी गार्डनर अपने अपने गार्डन में जो अपने परमानेंट प्लांट्स हैं उनको जो है उनकी केयर और उनको खाद पानी देने में लग जाते हैं। तो आजकल मैं भी अपने गार्डन में कुछ इस तरह का ही काम कर रही हूँ दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के पास। और आज का टॉपिक है खूबसूरत सा प्लांट। देखिए दोस्तों, ये है लेवेंडर स्कैलॉप का प्लांट, और इसमें जो है फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो रही है। थोड़ी थोड़ी पिंकिश ऑरेंज कलर के इसमें इस तरह से फ्लावर आते हैं। तो ये जो सभी कलियां बनी हुई हैं, इतनी खूबसूरत कलियां बनी हुई हैं दोस्तों, और ये सब जो हैं खिल करके फ्लावर बनेंगे। तो इस प्लांट की बात करें दोस्तों, तो ये एक सकुलेंट प्लांट है, और एक सकुलेंट प्लांट होने की वजह से जो है इसकी पत्तियों में वाटर कंटेंट रहता है। वाटर कंटेंट रहने से ये पत्तियाँ जो हैं अंदर से मोटी होती हैं, और सकुलेंट की तरह ही इसमें एक जो है क्रंच सा रहता है। तो दोस्तों, जो ये जो प्लांट होता है ये बहुत आसानी से हमारे गार्डन में ग्रो हो जाता है, और ये बहुत लंबे समय तक हमारे गार्डन में बना रहता है। समय समय पर हम कटिंग के थ्रू और लीव प्रोपोगेशन के थ्रू इसको जो है आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसमें कई सारी जो लीव्स जो हैं ऐसे ही गिर गई थी, और ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स उन लीव्स पर आसानी से उग जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये न्यू ग्रोथ होती रहती है। तो दोस्तों, ये जो ये प्लांट है ये जो है धूप में भी रह सकता है, और इसे जो है फुल एक्सपोज़र अगर हम सन का देंगे तो वो भी ये आसानी से झेल जाता है। अगर घर पे लाइट नहीं आती है, सनलाइट कम आती है, पार्शल आती है, तब भी ये वहाँ पर रह जाता है। लेकिन वहाँ पर जो है इसका कलर थोड़ा सा डार्क कलर आता है। ये देखिए कलर वेरिएशन इसमें आता है, एक्सपोज़र किस तरह सन का मिल रहा है उस हिसाब से इसमें कलर वेरिएशन आता रहता है। काफ़ी अच्छी धूप मिलने पर ये पिंकिश कलर जो है इसमें आता है। गर्मियों में तो जब हम इसमें बहुत ज़्यादा धूप इसमें लग जाती है तो जो इसमें खिलने वाली जो इस तरह के न्यू ग्रोथ होती है तो वो ऐसे लगता है कि बिल्कुल पिंक कलर के हो जाते हैं, रोज़ फ्लावर की तरह लगता है। ये देखिए दोस्तों, छोटे से छोटे प्लांटर में भी लग जाता है। कितनी सारी इसमें ग्रोथ नीचे से हो रही है, खुद ही उगता रहता है। लेकिन फर्स्ट टाइम इसको उगाने के लिए हमें जो है इसे कटिंग से, या फिर मैंने बताया था लीव से, हम इसे ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए छोटी सी कटिंग है, अगर हम इसको मिट्टी में लगा देते हैं आसानी से तो ये ग्रो हो जाती है। कोई पत्ती है अगर हमारे पास तो उस पत्ती को भी अगर हम इस तरह से मिट्टी में डाल देते हैं इस तरह से, तो वो भी ग्रो हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है प्रोपोगेशन की। पानी जो है इसको कम चाहिए। आजकल तो मैं इसे दो दो हफ्ते भी पानी नहीं देती हूँ तो तभी भी ये आराम से चलता है दोस्तों। ये ख़राब नहीं होता है, मतलब सकुलेंट जैसे हमारे ख़राब हो जाते हैं, बहुत केयर मांगते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन ये वाला जो सकुलेंट होता है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और इसको जो है हम अगर इसको ठीक से खाद नहीं दे पाए, देखभाल नहीं कर पाए इसकी, तब भी ये आसानी से चल जाता है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती है, ख़राब होने की कोई नौबत ही नहीं आती है। तो हम आसानी से जो है अपने घर की खूबसूरती को इससे बढ़ा सकते हैं और इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। आज मैं इसको प्रोपोगेट करने वाली हूँ दोस्तों। देखिए जो ये सब जो है, कोई मैंने इसमें लगाया हुआ है, बोरी में लगाया हुआ है। तो इस तरह से मैं, प्लांटर की कमी तो हम गार्डनर्स को हमेशा ही बनी रहती है, तो इसलिए जो है मैं इसको जो है किसी अच्छे से प्लांटर में प्रोपोगेट कर रही हूँ ताकि जो है अच्छे अच्छे प्लांट्स मिल सकें। तो सन की बात हो गई, मिट्टी जो है वेल ड्रेन चाहिए, सौगी मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बाकी सब तो आप इसकी खूबसूरती देख ही रहे हैं। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। वसंत पंचमी की सभी दोस्तों को शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।